भ्रष्टाचारियों की खोले पोल, कहां पड़ रहा है झोल। चुप रहना भी एक समस्या है, बोल नागपुर बोल। क्या हो रहा है आसपास, हम मांगेंगे जनप्रतिनिधियों से किए वादों का जवाब। बोल नागपुर बोल। नगर सेवक के आप भी गए हैं, रात दिन पानी भरे, वो बोलते हम तुम्हारे बस्ती से चुनाव चुन के नहीं आए, हम पैसे लेके आए बोलते, वोट मांगने आते तो भाई आई आपका अमावसी नगर सेवक के आप भी गए हैं, रात दिन पानी भरे, वो बोलते हम तुम्हारे बस्ती से चुनाव चुन के नहीं आए, हम पैसे दे के आए बोलते, वोट मांगने आते तो भाई आई आपका अमावसी भाई भाई आपका हमारा बंदी सिक्का भारत देश जिसे विश्व का मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहाँ जनता की दरकार है रोटी कपड़ा मकान और बुनियादी सुविधाएं, लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं का हनन होने लगे तो आत्मा भी रो पड़ती है। जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ पारस बैसवारे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश। इस कार्यक्रम के तहत हम आज पहुँचे हैं महेश नगर इलाके में, जहाँ के नागरिक इन दिनों मूलभूत सुविधाओं से जो है वो वंचित है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ नागरिक, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में उन्हें किन किन प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नीलू गजानन आरीकर। किन किन समस्याओं का सामना? हर गटर लाइन नहीं है, वेस्टेड पानी की लाइन नहीं है, अभी हो गई तो वो भी बंद करे, वो बंद नहीं करना हमारे, पहले वेस्टेड पानी और गटर लाइन होना है। इस मामले को लेकर आपने, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, तो आपने इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों को कभी शिकायत की थी? किए थे, बार बार करे पर कोई आए नहीं, कोई करे नहीं। और भी कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा वर्षा सुरेश कुकड़े नाम है। किन किन समस्याओं का सामना कर? हमारी इधर कुछ भी सुविधा नहीं है, हम कितने बार गए, नगर सेवक के पास गए, आमदार के पास गए है, सबके यहाँ लिख के दे तो लिख के भी दिए है, दिन रात पानी भर रहे, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। हाँ बोलता है, पर्ची ले लेता है, आश्वासन देता है, हाँ अगले बार आना तब तुम्हारा काम हो जाएगा, दो महीने के बाद हो जाएगा, अर्जी दिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया हमारे इधर। सब बारिश में तो हमारे घरों में पानी ही घुसता है, बच्चों को आने जाने की तकलीफ, अभी फिलहाल में धूप काला है तभी भी आने जाने की तकलीफ है, तो बारिश में क्या होगी हमारी जरूरत। तो यहाँ के स्थानीय विधायक को कभी आपने इस मामले से अवगत कराया कभी? हाँ, कराया ना, गए है। क्या कहना उनका? कहना है क्या, वोटिंग इधर से आती नहीं, वोटिंग आती नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे पूरा ये अनलीगल काम है ऐसा करके, और मतदान जब आता है तब पूरे बस्ती में आता है, घुसता है, भाई तुम्हारा वोट है, तुम्हारा ये है, तब हमारा वोट कहाँ आता है, कहाँ से आता है? जब हम उनके घर में जाते हैं अपनी समस्या लेके, तब हमारा वोट नहीं रहता है, जब उनका टाइम आता है चुनाव चिन्ह का, तब हमारे मतदान सबका नाम का आता है, बस्ती में छोटे से छोटे बच्चों का आ जाता है, 18 साल का भी होने का रहता तो भी उसका वोटिंग आ जाता है। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो इनका सिर्फ जो है वो वोट लेने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, वोट लेने के बाद पे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उस पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। और भी कुछ लोग हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राजविलास सराखोजी उके। किन किन समस्याओं का सामना? यहाँ पे बोले नहीं कहते, रोड की भी समस्या है और ये नाला है ना, इनकी तो बहुत ही समस्या है, मेरे घर के सामने है नहीं क्या, कम से कम कमर कमर तक पानी रहता, बारिश में बोले नहीं कर, बहुत ही तकलीफ है। कभी आपने जनप्रतिनिधि को शिकायत की? गया था एक दो बार, हम तुम्हारी वजह से आए थे नहीं बोलते चुन के, तो क्या बोलूंगा आदमी। यहाँ पर जैसा ये जो बारिश का जो यहाँ पर पानी जमा होता है, हाँ, और अभी भी यहाँ पर एक नाला है, हाँ, हाँ, तो इस पे क्या मच्छर वगैरह होते? अरे बहुत ही मच्छर, आदमी है नहीं क्या, मच्छर साफ है नहीं क्या, बहुत ही है, अभी भी साफ है, और मच्छर तो पूछो मत, शाम होने दो नहीं क्या, खड़ा रहेंगे नहीं होता। अभी ये नाला बुझाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर ये नाला बुझाए नहीं क्या तो मेरी इधर ही नहीं क्या, तो कम से कम पूरा पानी जमा हो जाएगा, घर में घुस जाएगा, घर में घुसेंगे। कुल मिलाकर ये जो इलाका है, इस इलाके में जो है वो गटर लाइन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ पर जो है मच्छरों का भी प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भी कुछ लोग है, क्या नाम है आपका? पुंडलिक उके।
अरे ये समस्या तो काफी दिनों से समस्या है, हम लोग कई बार गए उनके पास में, उनका कहना है कि भैया हमारे पास अनलिगन तुम्हारा लैब जो है अनलिगन है, इसके कारण हम लोग विकास कर नहीं सकते। लेकिन होता क्या है, जब उन लोगों का चुनाव का टाइम आता तब बराबर लिख नहीं देता। ये समस्या अभी काफी दिनों से चल रही है, हम लोग नगर सेवक के पास में गए, आमदार के पास में गए और ये लेयर वाला इनके पास में भी गए, लेकिन समस्या इतनी है कि ये लोग बस जाते, हम लोग तो बोलते कि भैया तुम्हारा हो जाएगा, आज कल कर देंगे, मेरा भरे को बोलने के बाद में भी लोग कभी घूम के देखते रहे, कभी इधर आते नहीं। ये देख तुम्हारे सामने जो नाले का है, फिर रोड का भी प्रॉब्लम है, रोड तो कभी बना ही नहीं हमारे घर। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि सारा बस्ती के घरों में सभी के घरों में पानी चले गया। ये इतनी समस्या तो हमेशा की है हमारे घर। इस इलाके में कुल मिलाकर ना सड़कें हैं, ना ही जो जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? हीरा भाई निमकर। किन किन समस्याओं का सामना? ये रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं है, मच्छरों की धान है, नाला अभी बुझा रहे तो हम पानी के कैसे क्या करेंगे, पानी का व्यवस्था घरों में घुसेंगे क्या पानी, फिर कैसे करेंगे हम। जब आपने जनप्रतिनिधि चुना था तो क्या दस बार गए वो आने के लिए देखते थे, एक बार आते हाउ आता एप्लीकेशन भी दिए, हाउ आता नहीं, आते थे नहीं वो। हम आएंगे हमारे बस्ती में वो चुनाव दे चिन्ह, ये करो बोलते, आओ बोलते चिन्ह देने के लिए बोलते, फिर आते थे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। दस बार गए है ना हम, आते थे नहीं। इस इलाके के जो विधायक है उनके पास गए थे कभी? हाँ गए थे, दो तीन बार गए थे हर महीने। मेसराम कृष्णा खोपड़िया धर्मपाल मेसराम वहाँ पे गए थे, वहाँ आए थे नहीं। इलाके की पानी निकासी के लिए नाली की जगह होना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में जो यहाँ पर इस इलाके में जो नाली का जो निर्माण किया गया है वो किसी के प्लॉट पर बनाई गई है। अब यदि वो उस प्लॉट पर यदि कल चलकर यदि किसी ने बांध काम किया तो ऐसे में फिर इस इलाके में नाली की व्यवस्था क्या होगी? और भी कुछ लोग है हमारे साथ, क्या नाम? हाँ मीना श्रीवास। किन किन समस्याओं का सामना? ये समस्या क्या है, नाली बंद हो गई तो नहाए धोए कहाँ से, रोई बंद हो गया हमारा, गटर नहीं है ना। हाँ वही से उसी का पानी आता है ना आउटलाइन का, तो वो प्लाट वाले ने तो पानी वो डाल दिया रहती, तो अब हम कहाँ करें बात पर। ना मेंबर का पता है कभी इधर, ना किसी का पता है, आमदार भी तो वो उधर उधर स्टैंडर्ड बस्ती में घूमते है, इधर आते ही नहीं है। हमको स्वामीनारायण के पीछे पटक दिया प्लाट वाले ने, तो अब हमने कैसा करना। तो आप जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, आमदार के पास जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कहते वो, हाँ करेंगे सबके समय प्लॉट बन गए, हमारा तो कचरा की कचरा ही पड़ा है। क्या बोलते, क्या करेंगे बोलते समय आने पे। तो अभी ये मेन जो समस्या है, चलो अभी तो हम कीचड़ पानी में कैसे भी आ रहे जा रहे, पर ये जो आउटलाइन की पानी को बंद कर दिए उसको कैसे करें। अब तुरंत हमारा नहाना दुबल हो गया, तो फिर कैसे करना। हमने पूछना ये है कि 5 साल हो गए आमदार चुन के आए हैं, यहाँ से हमारी एरिया से भी हम लोगों ने वोटिंग की है, और हमारे वार्ड मेंबर भी 4 हैं, जबकि 4 में से एक का भी कभी यहाँ पर आना नहीं होता है, ना वो कभी हमारी समस्याएं सुनते ना देखते। अब इस सोसाइटी में जहाँ अपन खड़े हैं, इस सोसाइटी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी पांडान रोड संघर्ष नगर चौक डंपिंग यार्ड से होते हुए अंदर आइए, लेकिन वो रोड की हालत ऐसी है कि वहाँ से हमारा आना जाना पॉसिबल ही नहीं है, ना वहाँ से कोई प्रेग्नेंट लेडी जा सकती है, ना हम लोग गाड़ी पे बैठ के डबल सीट जा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसी व्यवस्था होती है? हमारी व्यवस्था ऐसी होती कि हम लोगों ने बहुत इतना समझा के थक चुके हैं, एप्लीकेशन दिए NIT में दिए हैं, तो NIT वाले पहले हमने कारपोरेशन में दिए जिसका हम टैक्स भरते हैं, तो उनका कहना है हमने आपकी समस्या NIT में भेज दिए जिसका प्रूफ है हमारे पास, लेकिन NIT वाले कहते हैं कि आपकी सोसाइटी अनाधिकृत है तो हम वहाँ रोड नहीं बना सकते। हम आमदार के पास जाते क्योंकि अनाधिकृत सोसाइटी में आमदार का फंड लगता है, लेकिन आमदार का कहना ऐसा है कि आप लोग इतने सालों से सोए थे क्या, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं जागृत हुए कि आपकी रोड नहीं है। अब रोड की समस्या हाल फिलहाल नहीं है, ये कई वर्षों की है, और ये जो सोसाइटी में अपन खड़े यहाँ आने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। तो उन लोगों ने आके या तो हमको कनेक्टिविटी देना चाहिए या बताना चाहिए कि हमारी रोड कहाँ पर है, क्योंकि इनकी सोसाइटी की तो रोड ही पूरी गायब है। ये लोग वो वहाँ से आते हैं लेकिन इनको अंदर आने के लिए कोई रोड नहीं है। जिस जगह से अभी हम लोग अंदर आ रहे हैं वो एक व्यक्ति का प्लॉट है 3 नंबर का, वहाँ से अंदर आते हैं। यदि वो प्लॉट के 3 नंबर के प्लॉट का यदि बनकाम हो गया तो कोई रोड नहीं है, आने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या हमारी रोड की है और ये नाले की है,
और ये दोनों समस्या के लिए हम बहुत दिनों से NIT कारपोरेशन सब साहब लोगों के पास जाके चक्कर काट रहे, लेकिन कुछ नहीं। बफर जोन बोलते 200 मीटर हटाए, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी तक भी उन लोगों ने क्लियर नहीं की है। बफर जोन हटा बोलने के बावजूद भी हम लोगों को लेटर ऐसे आते हैं, कैसा लेटर आया कि बफर जोन है, आपकी सोसाइटी है तो हम अधिकृत उसको रेगुलर नहीं कर सकते। तो हमको कारण बताना चाहिए ना कि बफर जोन तो हट चुका है, क्योंकि ऐसा अंदर साहब का कहना है कि बफर जोन हट गया है 200 मीटर। तो हम लोगों को वो सब चीजें क्लियर करके चाहिए है। भारत देश जिसे कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, अभी सोने की चिड़िया के पर कुछ राजनेताओं ने और कुछ भ्रष्टाचारी रूपी राजनेताओं ने मिलकर इस कदर कुतर डाले कि अब ये सोने की चिड़िया आसमान में उड़ने के बजाय जमीन में फड़फड़ाते हुए अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। तो फिलहाल के लिए बोल नागपुर बोल में मेरे साथ इतना ही। मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत, नमस्कार। भ्रष्टाचारियों की खोले पोल, कहां पर रहा है झोल, चुप रहना भी एक समस्या है। बोल नागपुर बोल, क्या हो रहा है आसपास, हम मांगेंगे जनप्रतिनिधियों से किए वादों का जवाब। बोल नागपुर बोल, अब आपकी आवाज पहुंचेगी गली से दिल्ली तक। देखिए पारस बैसवारे के साथ बोल नागपुर बोल, अपने इलाके की किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें 8329139890।